तीन साल में भाई, सिर्फ तीन साल में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया था। इंडियाज कल्चर इज डेफिनेटली वेरी रिच भाई साहब। इस रूम का ना मजा यही है, व्यू है, व्यू है भाई, व्यू है। ये देखो हाउ टाइम चेंजेस एवरीथिंग एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आ रही है अभी तक कुछ कर रहा है टेस्टिंग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये वाली जो बगदंडी है ना, यहाँ से पैदल पैदल पे जाओ 20 मिनट लगेगा, और गाड़ी लेके जानी है तो वो देखो वहाँ दिख रहा है ऊपर वाला रास्ता, नुब्रा रोड से है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, खमागनी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, न्यू एपिसोड ऑफ ज़ैंस्कार 2024। भाई आज का दिन की शुरुआत बहुत बुरी हुई, क्योंकि इतना बुरा हेडेक होना शुरू हुआ मेरा एट अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। सो अभी तो दिन के हो रहे हैं 11:30। सो प्लान ये, अभी तो चाय ऑर्डर करिए, चाय आएगी उसके बाद में चाय पी के और फिर लोकल ले एक्सप्लोर करते हैं। शांति स्तूप पर तो शाम को चलेंगे, शाम को मजा आएगा, अभी तो धूप है। सुबह का मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है, धूप निकली भी है बहुत ज़बरदस्त, बट मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है यार, इट्स टू टायरिंग। भाई साहब इस रूम का ना मज़ा यही है, व्यू है, व्यू है भाई, व्यू है। ये देखो वो सामने रहा ले पैलेस, इतना प्यारा गार्डन है ना। आई हैव रेड अ बुक द सीक्रेट बाय रोंडा ब्राइन, सो उसमें कहा जाता है कि यू नो वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स यू जस्ट have to say it and the universe would work it out that you get that thing. So this is the latest example. When I came to Leh in 2013, जब मैं पहली बार आया था, I was driving by this road, ये पीछे वाला जो रोड है यहाँ से मैं जा रहा था, and I really fell in love with this property. यहाँ पे सब बैठे हुए थे, यहाँ नीचे सब गप्पे मार रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई कुछ हो रहा था, रात के टाइम पे सब पार्टीज हो रही थी, बट उस टाइम पे जॉब और सारी चीज़ों के अंदर भाई सैलरी थी क्या, इट वॉज जस्ट मेयरली 15,000 रुपीज़, कट कुट आके आती भी हाथ में 13,000 रुपये थी, फ्रेशर थे बिल्कुल पहली पहली जॉब में। बट उस टाइम पे भी हम लोग आए थे यहाँ पे तो वी हैड एन टोटल बजट ऑफ 9,000 रुपीज़ के आसपास पूरा लगा था, तो उस टाइम पे इतना मौका नहीं था कि भाई मतलब कहते ना 9,000 में से आप 4,000 रुपये सिर्फ एक उसके दे दो, एक रूम के लिए आप दे दो। सो बट फॉर्चुनेटली ये अगोदा पे आई गॉट अ वेरी वेरी डिसेंट डिस्काउंट। डिसेंट क्या है भाई, ताबड़तोड़ डिस्काउंट मिला 75% का, एंड यू वोंट बिलीव जहाँ पे हमेशा मैं रुकता हूँ लिविंग गेस्ट हाउस, ये उससे भी 500 रुपीज़ सस्ता है। तो वी गॉट दिस फॉर 767 रुपीज़ और टैक्सेस वगैरह मिला के 900 के आसपास में कुछ लैंड करेगा, बट प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस यार। ये यहाँ पे बढ़िया बालकनी है, बढ़िया चूल्हा वूल्हा लगा लो, कुर्सियाँ लगा लो, बैठ जाओ आराम से, और ख़ास कर ये जो व्यू है ना, दिस इज़ टोटली अमेजिंग। सो प्लान यही है, क्योंकि हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात को, आई डोंट नो मतलब इट माइट बी ड्यू टू दी हाई ऑल्टीट्यूड, बट पादुम जो था वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई, शिंखुरा में भी दिक्कत नहीं आई, बीच में सिरसिरला आया था वहाँ भी कोई इशू नहीं थे, बट आई डोंट नो मे बी कल हम लोगों ने उतना पानी नहीं पिया था, इतने हाइड्रेटेड नहीं थे, वो भी हो सकता है। उसके अलावा मेरे को लगता है मेरा जो सरदर्द हुआ दैट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट रूटीन, जो खाने का है वो चेंज हो चुका है, तो गैस बन गई हो उसकी वजह से सरदर्द हो सकता है, बट दवाई ले ली है। अभी यहाँ से चल रहे मार्केट, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ले पैलेस एंड शांति स्तूप। वेल ऑल सेट ऑल रेडी, घर को अभी घर करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। सो सुबह की पहली स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा होना बहुत ज़रूरी है, फिर पूरा दिन जो है, पूरा दिन गाड़ी चलती है ना तो भाई उसका जो एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी हो गया या फिर जो इंजन का जो स्मूथनेस है ना वो बहुत बहुत बढ़िया है। खासकर सर्दियों के अंदर तो डीजल इंजन को सुबह मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्टार्ट होता है ना उसको 5 मिनट चला के छोड़ दो, बहुत बढ़िया आपको पिकअप और परफॉर्मेंस मिलेगा। भाई इतनी बार आ चुका हूँ ना, ये सारी गलियाँ तो रट गई है। सो पुराना वाला हमेशा जहाँ रुकते हैं लेलिंग गेस्ट हाउस, सो इट वॉज ऑल फुल, सो इस वजह से इस बार शाओलिन में रुके, बट भाई बहुत ही प्यारा होटल है शाओलिन। जो पहले वाला लेलिंग था वो इसका रास्ता आगे से भी राइट में भी जाता है और पीछे से भी रास्ता है उसका, रात को एक बंदा घुस जाता गाड़ी में, तितर बना हुआ आ रहा था। गलती थोड़ी बात मेरी भी थी उसमें, नहीं गलत मतलब ही वॉज वे टू फास्ट, ही फास्ट एंड ही वॉज ऑन द कर्व,
सो उसकी वजह से वो थोड़ा इशू ज्यादा हो गया। बाय गॉड ग्रेस वी कुछ मेजर मेजर मिसहैप नहीं हुआ। दिस इज द वे टू ले पैलेस। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, सो दिस इज एन ऑफ सीजन, बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे। एंड आई फील दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। आपको होटल्स वगैरह बहुत सस्ते मिलेंगे भाई, मतलब। सो वी हैव रीच्ड ले पैलेस। सो आई वॉज इन टू द परसेप्शन दैट वन इज द ओल्ड वन, और ये वाला जो है जहाँ पे अभी जा रहे हैं दैट वॉज द न्यू वन। सो वो मॉनेस्ट्री है, एंड यहाँ पार्किंग अपन अपने वाहन को खड़ा कर दिया है, और यहाँ से दोनों भाई चलते हैं। तो हमको ये बोला गया कि यहाँ से ये जो पगडंडी जा रही है ना, लेट मी शो यू, 20 मिनट लगेगा ये वाली जो पगडंडी है ना, यहाँ से पैदल पैदल ऊपर जाओ 20 मिनट लगेगा, और गाड़ी लेके जानी है तो वो देखो वहाँ दिख रहा है ऊपर वाला रास्ता नुब्रा रोड से है। तो भाई ना तो मेरा नुब्रा रोड से जाने का मन है, और ना ही मेरा पैदल, कौन जाएगा यार, सांस फूल जाएगी यार। सो भाई टिकट ले लिया है, आई वॉज मिस्टेकन, इट इज़ 25 rupees पर पर्सन, एंड अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, नो ड्रोन्स नो वीडियोग्राफी। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ फोटोज आप लोगों से शेयर करेंगे। बाहर का तो व्यू ये देख लो, दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ले पैलेस एंड दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ ले पैलेस। सो इट्स रिटन एज द इट्स एन आर्किटेक्चरल मास्टर पीस एंड इंजीनियरिंग फीट ऑफ द नामग्याल डायनेस्टी। एंड 3 साल में भाई, सिर्फ 3 साल में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट कर दिया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सेनगे नामग्याल, the most illustrious king of Ladakh. So majorly जो है जो architecture है, it's written the palace is built in the Tibetan architectural style with materials like stone, sun dried mud bricks, wood and juniper and willow procured from different areas of Leh. तो सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह से सारा सामान लिया है, सारा जितना भी construction material है so they have acquired across the region of Ladakh. और इसको ये भी बोलते हैं ना, ग्लेचिन मतलब इसका लोकल नाम ये है मेरे हिसाब से, एंशिएंट पैलेस है, पर इसको इसमें शायद लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, आई थिंक सो, पता नहीं। सो भाई इसकी फोटो जो है आई एम अटैचिंग, बट ये पढ़ लेना, यू कैन गेट द हिस्ट्री ऑफ द ले पैलेस। आई विल ट्राई टू यू नो राइट डाउन द एंटायर थिंग इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऑल्सो रीड। सो ये बोर्ड जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया, ए एस आई ने, एंड दिस इज द एंट्रेंस द मास्टर पीस। सो एज आई सेड, इंडिया मतलब नॉट जस्ट इंडिया, एनी कंट्री इज वेरी रिच इन कल्चर, और इंडिया इज अ प्लेस यू नो, इज अ कंट्री वेर इन यू विल फाइंड डिफरेंट आर्किटेक्चर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल राजस्थानी फोर्ट्स आर डिफरेंट, लद्दाखी फोर्ट्स आर टोटली डिफरेंट। When you go to MP, you know, the palaces of MP, then the forts of South India, so जैसे गोलकुंडा फोर्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो जो कल्चर है दैट इज़ वेरी रिच, इंडियाज़ कल्चर इज डेफिनेटली वेरी रिच। सो हेंस फोर्थ द वीडियोग्राफी वोंट बी अलाउड, सो आई वुड बी शेयरिंग ओनली द फोटोग्राफ्स ऑफ द इंटीरियर। इज एन ऑडियो विजुअल हॉल, यहाँ बैठ के आप अपनी पूरे पैलेस का हिस्ट्री यहाँ देख सकते हैं। सो दिस एंटायर पैलेस इज डिवाइडेड इनटू लेवल्स, तो 4 तो हम लोग करके आ गए, 6 to 8 यहाँ पे। सो वी आर ऑन द 7th लेवल, इसमें टोटल 9 लेवल है, 8th वो वाला है और 9th वो वाला है, बट द व्यू इज अमेजिंग यार। तो वो जो है वो है शांति स्तूपा, ये देखिए दैट इज शांति स्तूपा। उसके बाद में वो जो रूट वहाँ जा रहा है वो जा रहा है खरदूंगला की तरफ, ऊपर
जो है दैट इज़ द मॉनेस्ट्री। दिस पैलेस इज नॉट ऑक्यूपाइड, ये अभी तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है। ये द इंटायर पैलेस एंड दिस इंटायर पैलेस इज मेड बाई टू थिंग्स, दैट इज स्टोन एंड वुड। सो द सोर्सिंग ऑफ बोथ दिस मटीरियल स्टोन एंड वुड हैज बीन डन लोकली। सो एक तो नाम बहुत डिफिकल्ट है याद रखने। सो जो वुड है ठीक है वो यहाँ किसी आसपास के गांव से लेके आई हुई है एंड द स्टोन्स हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इंडस रिवर। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट हैज़ बीन डन बाय द लोकल पीपल, जैसे जो ह्यूमन चेन बनाते हैं। सो पत्थर जो है वो पूरी चेन बनाई गई थी इस पैलेस से लेकर जहाँ से सोर्सिंग हुई है। देन द इंटायर लद्दाख रीजन जो पॉपुलेशन थी उन लोगों ने सबने हेल्प किया और एक मतलब यू नो पासिंग ऑन द स्टोन एंड देन द इंटायर मटीरियल वॉज सोर्स्ड आउट हियर इन ले। द व्यू इज टोटली मेसमराइजिंग। थोड़ी सी सांस यहाँ पे ज़रूर फूल रही है क्योंकि वी आर स्टैंडिंग ऑन द 7th लेवल हाइट। वैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं तो एग्जॉशन के साथ साथ के अंदर सांस भी ज़्यादा फूल रही है। सो शाम को चलेंगे वहाँ पे शांति स्तूपा, क्योंकि शाम को वहाँ का जो लुक है लाइटिंग के साथ पे बहुत ही प्यारा आता है। वेल आई होप यू हैव इन्जॉयड द ले पैलेस। सो दिस इज एक्चुअली द इंटायर कंस्ट्रक्शन हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ 3 years, इट वॉज कम्प्लीटेड इन अ स्पैन ऑफ 3 years। मेजरली यूज मटीरियल आर स्टोन एंड वुड एंड दैट टू लोकली सोर्स्ड हियर फ्रॉम ले एंड द रीजन ऑफ लद्दाख। सो द फीलिंग आई गेट आफ्टर यू नो विजिटिंग द पैलेस इट्स जस्ट मेसमराइजिंग एंड मेजेस्टिक। यू नो इन अ टाइम वेर इन इन बिटवीन 1590 एंड 1635 एज इट इज़ मैंशनड हियर ऑन द बोर्ड, सोर्सिंग यू नो दैट काइंड ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड क्रिएटिंग सच एन आर्किटेक्चर दैट इज़ एक्चुअली अ कमेंडेबल जॉब। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो फ्रॉम हियर ऑन वी आर मूविंग टू शांति स्तूपा, देन वी विल बी मूविंग टू द ले मार्केट। सो स्टे ट्यून्ड।